हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 125 का क्यूब रूट कितना होगा या फिर 125 का घन मूल कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम घनमूल फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर दिया 125। ठीक है, अब 125 दिया है तो इसको हम या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 टू जा 10, 5 फाइव जा 25, अगेन 5 फाइव जा 25, 5 वन जा 5। तो जो फैक्टर हुआ 125 का वो होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब फैक्टर में से हम एक ही नंबर को तीन बार मल्टीपल में आता है तो उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। अभी देखिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन बार आया है तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रिपलेट। मैं लिख देता हूं यहां पर, तो जो नंबर ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करता है वही नंबर क्या होता है? हमारा क्यूब रूट होता है। तो यानी यहां से जो क्यूब रूट आ जाएगा 125 का, वो आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है क्यूब से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।